मंदी को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है। IMF ने भारत सहित पूरी दुनिया में मंदी और ज्यादा गहराने की आशंका व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि भारत में मंदी के कारण गिरावट और भी ज्यादा होगी। यह चेतावनी IMF ने जारी की है और उन्होंने यह भी कहा है कि 90% वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में ऑलरेडी आ चुकी है। इस साल विकास दर मौजूदा दशक की शुरुआत के सबसे कम में भी रह सकती है, यह भी बात कही गई है। एक सप्ताह पहले ही IMF प्रबंध निदेशक का पदभार संभालने वाली क्रिस्टिलिना जॉर्जिया ने अगले सप्ताह होने वाली IMF की वार्षिक बैठक के पहले यह कहा कि 2 साल पहले GDP के लिहाज से दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ रही थी, आज करीब 90% वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर घट रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक साथ मंदी का सामना कर रही है। जॉर्जिया ने भारत में इस साल गिरावट और भी ज्यादा रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा उभरते बाजार वाले कुछ देशों जैसे भारत और ब्राजील में इस साल मंदी अधिक स्पष्ट होगी। चीन की विकास दर लगातार घटती जा रही है। उन्होंने व्यापार युद्ध को मंदी का सबसे बड़ा कारण बताया। इस वर्ष विकास दर दशक की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह जारी होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2019 और 2020 का आर्थिक विकास अनुमान घटा दिया जाएगा। इधर भारत के ऑटो सेक्टर में सुस्ती का दौर लगातार जारी है और मारुति द्वारा लगातार 8वें महीने में भी उत्पादन घटा दिया गया। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी इंडिया ने सुस्त डिमांड को देखते हुए सितंबर में अपना उत्पादन 17.48% घटा दिया है। यह लगातार 8वां महीना जब कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना उत्पादन कम किया है। अगस्त महीने में कंपनी ने अपने उत्पादन को 33% कम किया था। मारुति सुजुकी ने कहा कि कंपनी ने सितंबर महीने में 132,199 इकाइयों का उत्पादन किया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह संख्या 160,219 इकाई थी। हालांकि अगस्त की तुलना में उत्पादन सुधरा है। कंपनी ने उस दौरान 111,370 वाहनों का उत्पादन किया था। कंपनी के आल्टो, न्यू वेगन आर, सेलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट, बेलोनो और डिजायर समेत छोटी तथा कॉम्पैक्ट खंड की कारों का उत्पादन सितंबर महीने में 98,337 रहा, जो कि पिछले साल इसी महीने में 115,576 था। विटारा, ब्रेंजा, एटिगा और एस क्रॉस का उत्पादन 17.5 घटकर इस साल सितंबर में 18,435 इकाई रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने 22,226 इकाइयों का उत्पादन हुआ था। तो जाहिर है कि ऑटो सेक्टर अभी भी मंदी की चपेट में है बुरी तरह से, उसे अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बीच जो IMF की चेतावनी है उसने देश में एक नई चिंता ला दी है। उसमें एक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में मंदी में गिरावट और भी ज्यादा होगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.